जय मासम मीडियर्स, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम री अपलोडिंग वीडियो रिलेटेड बीसीएम पार्ट वन डियर फर्स्ट इन हिंदी देन आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। जीरो वाज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, जैसे हिंदी में जो क ख क ख ग ग ऐसे कोई भी पढ़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। इंग्लिश में ए बी सी डी इसे क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं ना। एक ए लेटर है, बी लेटर है, ठीक है। उसी तरह मैथ में जो है, जैसे मान लीजिए जीरो हो गया, नाइन हो गया, ये इसे क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। जीरो से नाइन तक के नंबर को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। देखिए द कलेक्शन, क्लियर है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम जीरो टू नाइन इज कॉल्ड डिजिट। यानी कि जीरो से नाइन तक के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। जैसे मोबाइल में देख लीजिए, जीरो से नाइन ही नंबर होते हैं ना, कोई भी नंबर आप चाहे तो डायल कर सकते हैं। कैलकुलेटर देख लीजिए, जीरो से नाइन ही होता है, बाकी आपको जितना भी नंबर बनाना हो बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते हैं। अब देखिए क्लियर हो गया, देर आर टेन डिजिट टोटल, यानी कि मैथ में कितने डिजिट होते हैं, टेन डिजिट होते हैं। देर आर टेन डिजिट इन मैथ, देख लीजिए काउंटिंग कर लेंगे कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो यहां से यहां तक नाइन हो गए, और एक जीरो ले लेंगे तो कितने हो गए, टेन हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि मैथ में कितने डिजिट होते हैं, टेन डिजिट होते हैं। क्लियर? नाउ इन इंग्लिश दिया, फर्स्ट यू कैन सी कि जीरो इज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। डिजिट व्हाट इज डिजिट इन मैथ, यू कैन सी एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर, जीरो टू नाइन नंबर यूज्ड इन योर मोबाइल ऑल्सो नंबर यूज्ड। देन द कलेक्शन ऑफ numbers from 0 to 9 is known as digit. In math there are 10 digit 0 to 9 given as bit natural number. जैसे मान लीजिए जो काउंटिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, मतलब ऐसे ही जो काउंट सिमिलरली इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए डिफिनेशन, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल दे दिए हैं, मतलब एक्सेट्रा है। होल नंबर आ जाइए, होल नंबर में क्या होता है, जैसे काउंटिंग नंबर के साथ जीरो आ जाए, जैसे मान लीजिए काउंटिंग जैसे जीरो से स्टार्ट करें, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है आपके होल नंबर हो गए। क्लियर हो गया, काउंटिंग नंबर को केवल नेचुरल नंबर बोलेंगे, और काउंटिंग नंबर के साथ जीरो आ जाए वो क्या है आपका होल नंबर है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, इंग्लिश डियर, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। व्हाट इज योर होल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इज नोन एज होल नंबर। नेक्स्ट इवेन नंबर डियर, सबसे पहले इवेन नंबर और ऑड नंबर को समझिए। एक्सैक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दीजिए आप लोग, उसका केवल यूनिट प्लेस मतलब इधर लास्ट का नंबर देखिएगा, वंस प्लेस देखिएगा। क्लियर है, लास्ट वाले को लास्ट प्लेस देखिए, चाहे यूनिट प्लेस देखिए चाहे वंस प्लेस देखिए, मतलब यही ना हुआ। तो अगर ये वाला नंबर जो लास्ट वाला नंबर जो है टू से डिविजिबल हो जाए, मतलब टू से डिवाइड, टू के टेबल में ये लास्ट वाला नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर टू के टेबल में आ जाता तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता, नहीं आएगा तो वो क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, ऑड। लेकिन जैसे यहां पर देख लीजिए इसका लास्ट नंबर क्या है, एट है, टू के टेबल में एट आता है कि नहीं आता, मीन्स टू एट टू का मल्टीपल है, इसीलिए क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। यानी कि लास्ट वाला नंबर टू का मल्टीपल होगा, मतलब टू के टेबल में आएगा तो वो क्या है, इवन नंबर है। समझ में आ गया, यानी कि यूनिट प्लेस टू के टेबल में आ रहा है तो वो इवेन है, नहीं आ रहा है तो वो क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर हो गया इवेन ऑड नंबर। चलिए यहां आप देखिए डिफिनेशन बहुत से लिखे हैं, इवेन नंबर द नंबर विच इज मल्टीपल द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ टू इज नोन एज इवन नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर टू के टेबल में आए, ठीक है। दूसरा देखिए, कई डिफिनेशन, तीन डिफिनेशन दिए हुए हैं,
द नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, यानी कि वो नंबर अगर टू से डिवाइड हो जाए, पहला इसका मतलब क्या बताया था, मल्टीपल का मतलब उसके टेबल में वो आना चाहिए, मतलब टेबल पढ़ रहे हैं तो उसके टेबल में आ जाना चाहिए। सेकंड डिफिनेशन का मतलब होता है उसे डिवाइड कर डिवाइड हो जाए। थर्ड देखिए, द नंबर हैविंग 02468 एट यूनिट प्लेस वंस प्लेस, मतलब यूनिट क्या होता है वंस प्लेस, दोनों एक ही है, उसी के क्या कहेंगे हम इवन नंबर कहेंगे, जहां पे हम आपको एग्जांपल दिए हैं। इसके देखिए लास्ट में क्या लिखा है, एट, इस रूल में है नहीं एट, यानी कि तभी ये इवन नंबर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया। तब इसमें से कोई भी आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। नाउ इंग्लिश दिया, इवन नंबर द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू मीन सपोज दैट 10, 2 5 जा 10, इन टेबल ऑफ 2 कमिंग आर नॉट कमिंग 10, that's why that is your even number. Divisible, you can say give example also, the number which is divisible by 2 is known as even number. 10 is already divisible, 10 is also divisible by 2. Now next, the number having at unit place 0 2 4 6 8 is known as even number. Here I am giving example, suppose that any places 3 2 4, what unit place 4, that is known as even number. Clear हो गया? और जो यहाँ पे method बताया उसे भी आप पहचान सकते हैं। Last number देखिए 2 के table में आ रहा है, तो वो क्या है? Even number है। और नहीं आता तो क्या होता? वो odd number होता। Next page, odd number दिया। उसी का reciprocal है। जैसे मान लीजिए multiple था, तो even है। नहीं multiple है, तो क्या है? Odd। डिविजिबल था वहां पे, यहाँ पे नॉट डिविजिबल होगा। देखिए द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू इज नोन एज ऑड नंबर। फिर से द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, देखिए इवन नंबर मल्टीपल भी होता है डिविजिबल भी होता है, और यहाँ पे बस उसी को नॉट बोल देना है, मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गया? ना दीजिए एक और चीज, आपके टोटल कितने डिजिट थे? 10 डिजिट थे। फर्स्ट पेज पे हम यहां सिखाए, देखिए कितने डिजिट थे, तो ये और ये किसमें चले गए? इवन नंबर में चले गए, तो कितने बच गए? क्या क्या बच गए? 1 3 5 7 9 बच गए, वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर के लिए हो जाएंगे। देखिए 1 3 5 7 9 ऑड, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी एग्जांपल आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब किसी के भी लास्ट वाला नंबर सिंपल वन वर्ड में समझ लीजिए, लास्ट वाला नंबर कोई भी नंबर लिखा हो, लास्ट वाला नंबर अगर टू से डिविजिबल है तो वो इवन है, नहीं हो रहा है तो वो क्या है? ऑड है। नेक्स्ट देखिए, राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 50 मींस, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको 1 से 50 तक काउंटिंग लिखना है। काउंटिंग समझते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 50, पहले 1 से 50 तक आपको काउंटिंग लिखना है। यहां तक समझ में आया? तो पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए 50 तक काउंटिंग लिख लेना, उसके बाद क्या करना है, उसमें जो भी इवन नंबर होंगे, यहां पे लिखा है सर्कल, इसको क्या करना है? इवन नंबर जो भी होगा उसको सर्कल करना है, और जो ऑड नंबर होंगे उसे क्या करना है? क्रॉस करना है। देखिए बाबू, सर्कल जब लिखा होता है तो कोई भी नंबर को गोल गोल कर देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर का आएगा, जो भी होगा उसको गोल कर देंगे। क्रॉस का आता है तो उसे ऐसे कर देते हैं, काट देते हैं। अगर अंडरलाइन का आता है बस उस नंबर के नीचे उसे अंडरलाइन बस ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए नंबर कुछ भी लिखा हो उसके नीचे अंडरलाइन, तीनों का मतलब समझ में आ गया? सर्कल का है तो गोल कर देंगे, क्रॉस का है तो काट देंगे, अंडरलाइन का है तो बस उसके नीचे नंबर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमारे क्वेश्चन के साथ तो मान लीजिए सर्कल का है तो सर्कल करेंगे, क्रॉस का है तो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो काउंटिंग लिखेंगे, तो लिखिए Thank you.
काउंटिंग लिखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको कहां तक लिखना है? 50 तक लिखना है। छुट्टी तक लिख लीजिएगा आप लोग। पहले 50 तक हम लोग काउंटिंग लिखेंगे। फिफ्टी तक काउंटिंग लिख लीजिएगा आप लोग भी, तब ये आगे प्रोसेस सारा करेंगे। देखिए 50 तक काउंटिंग हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी इवन नंबर है उसे क्या करना है, सर्कल करना है। इवन नंबर को पहले सर्कल कर लीजिए, 1, 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 तो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, हो गया। 3, 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3, 8, 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
टू के टेबल में आ ही रहा है, फाइव नहीं आ रहा है, सिक्स आ रहा है, मतलब जो टू के टेबल में आएगा उस पे सर्कल कर लेना है क्योंकि वही वे नंबर है। अब आइए, अब वो ट्रिक अप्लाई कीजिए, केवल लास्ट बड़ा नंबर है तो लास्ट नंबर दिखिए, लास्ट वाला नंबर टू के टेबल में टू आता ही है, फोर आता ही है, सिक्स एट, बस केवल यूनिट प्लेस देखिएगा आपको, यह ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा। देखिए ठीक है, टू बस केवल लास्ट नंबर दिखिएगा, उसे टेबल में आ जाते हूं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बाकी जो बच गया वो क्या है, और नंबर है, तो बस उसको क्रॉस कर दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, बस क्लियर डियर। पहले मैंने क्या लिखा था, काउंटिंग लिखा था 50 तक, यहाँ पे 1 से 50 तक लिखा था, 50 तक ही लिखेंगे ना, उसके बाद इवन नंबर को सर्कल कर दिए, उसके बाद क्रॉस ऑड नंबर को क्रॉस कर दिए हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 से 50 लिखा हूं तो 1 से 50 लिखे हैं, 51 से 100 लिखते तो 51 से 100 लिखते, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, इसके जगह पे मान लीजिए मैं लिख दिया 51 to 100, यानी कि 51 से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे आप, तब उसको सर्कल करेंगे, कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए चाहे 501 से 550, तो पहले काउंटिंग लिख लेंगे आप, तब उसके बाद जो करना है करेंगे। समझ में आया, इवन नंबर ऑड नंबर लास्ट बार समझ लीजिए, कोई भी नंबर लिखा होगा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट वाला नंबर बस देखना है, लास्ट में क्या लिखा है, थ्री, टू के टेबल में थ्री आता है नहीं आता है, इसलिए क्या है, ऑड नंबर है, अगर ठीक है। लास्ट नंबर देखिए क्या लिखा है, फोर, टू के टेबल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है।
इवन, और देखिए टू के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए क्या है ये ऑड है। टू के टेबल में टू, टू के टेबल में फोर आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया, इवन हो गया बस। चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर। डियर जैसे प्राइम नंबर होता क्या है, एक ऐसे ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, मतलब किसी और के टेबल में आएगा नहीं, वो खुद के टेबल में आएगा, वन और खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए टू ले लीजिए, टू किसी के टेबल में आता है, टू तो केवल खुद के टेबल में आता है ना। उसी तरह एग्जाम्पल ले लीजिए फाइव, सेवन, सेवन किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यही सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया, जो केवल खुद से, मतलब 11 है तो 11 के टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में तो आ नहीं रहा है, तो वही क्या है, प्राइम नंबर है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, वन वन समझता है, वन 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 तो सबका डिविजिबल है, सॉरी वन वन से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ का मतलब जो नंबर है खुद से, जैसे मान लीजिए 11 है तो 11, 17 है तो 17, इटसेल्फ का मतलब ये होगा। ठीक है, कोई भी नंबर में दो सी से कटे, क्लियर। तो एग्जाम्पल दे दिए 2, 11, 19, 23 etc, क्लियर। नेक्स्ट डियर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो केवल वन या खुद से कटते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए फाइव, वन के टेबल में तो फाइव आ जाएगा, फिर से फाइव के टेबल में ही फाइव आएगा, और किसी और के नंबर में नहीं आएगा, किसी और के टेबल में तो नहीं आ रहा है ना। उसी तरह सेवनटीन ले लीजिए, सेवनटीन केवल सेवनटीन के टेबल में आता है ना, किसी और के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, क्या है, प्राइम नंबर है, जो मतलब केवल खुद के टेबल में आया, खुद से कटे। डिफिनेशन देख लीजिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब अगर मैं 17 की बात कर रहा हूं तो 17 से कटना चाहिए, 15 है तो 15 से कटना चाहिए, ठीक है, किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, यानी कि 15 तो किसी और से कट जाता है, वो तो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, 19 ले लीजिए तो 19 केवल 19 से कैंसिल होगा, किसी और से नहीं कैंसिल होगा, तो क्या है, प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 11, 19, 23। अब आ जाइए कंपोजिट नंबर, यानी कि ये किसी भी नंबर से कट जाएगा, मतलब खुद से भी कटेगा, किसी और नंबर से भी कटेगा, वही क्या आपके कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर केवल खुद से कटता है और ये किसी और से भी कट जाता है, खुद के अलावा किसी और से भी कट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं 4, 4 टू से कैंसिल हो जा रहा है, टू के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 4 भी आता है, यानी कि एक खुद के अलावा किसी और से भी कट जा रहा है, वही क्या है आपके कंपोजिट नंबर है। देखिए द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, मतलब जो नंबर बोल रहे हैं उससे भी कटेगा और किसी और नंबर से भी कटेगा। एक और इसका डेफिनेशन दिया है, द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो उसे भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फैक्टर मतलब क्लियर हो गया, फैक्टर का मतलब होता क्या है, फैक्टर वो नंबर होता है, उस नंबर से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करें तो क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, एडजेक्ट डिवाइजर जिसे बोलते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने 4 को बोला है कंपोजिट ना, 4 किसके किसके टेबल में आता है, लिख लीजिए बताइए, 1, 2 के भी टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है। देखिए काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 3 नंबर हो गए कि नहीं हो गए, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 या 3 से अधिक, मतलब 3 आर मोर देन 3, समझ में आया। इसके देख लीजिए, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए 17, 17 किसके किसके टेबल में आएगा, 17 वन के टेबल में आएगा और 17 किसी और के टेबल में नहीं आएगा। 5 ले लीजिए, 5 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और केवल 5 के टेबल में, समझ में आ गया। इसीलिए कंपोजिट के 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए, राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, पहले आपको काउंटिंग क्या करना है, लिख लेना है 1 से 100 तक। देखिए क्वेश्चन, राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100,
1 से 100 तक का काउंटिंग लिखना है, उसके बाद क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर होंगे उसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, और जो कंपोजिट नंबर है उसे क्या करना है, क्रॉस करना है। तो सबसे पहले तो काउंटिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए 100 तक पहले काउंटिंग लिखेंगे, क्लियर है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 100 पर काउंटिंग लिख रहा हूं। थ्री थ्री सिक्स टू एट, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, हंड्रेड तक फास्ट काउंटिंग लिख लेंगे। इस पे मेरे पास कॉपी का ऑप्शन था, तब मैंने कॉपी कर लिया, आप तो कॉपी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं वैसे लिख लीजिएगा। क्लियर, पहले 100 तक मैंने काउंटिंग लिख लिया, यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर जब प्राइम नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहले देखिए जो 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को ना ही प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर 2 से स्टार्ट होता है। यहां पे लिख देते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। क्लियर, 1 क्या है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। अब देखिए प्राइम नंबर बताए थे जो केवल खुद के टेबल में आता हो, देखिए तो जो 2 है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 हो गया किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है 1 और खुद के टेबल में, उसके बाद 5 7 देखिए, अब इसके बाद सीधे आ जाए 11 13 17 ये सब जो नंबर मैं सर्कल कर रहा हूँ वो प्राइम नंबर है, केवल खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। 19 23 29 31 37 41 43 क्लियर है, उसके बाद 47 53 59 61
97, ये सारे नंबर आप चेक कर सकते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते हैं। क्लियर है? अब बाकी जो बच गया वो क्या है आपके कंपोजिट है, तो उसको बस क्या कीजिए क्रॉस कीजिए। और मैं जैसे मान लीजिए नंबर 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब जो सर्कल की है वो क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन जो केवल खुद से करता हो, किसी और के टेबल में ना आता हो। अब कंपोजिट नंबर है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है, उसको बस काट दीजिए। क्लियर? क्लियर हो गया? ये कंप्लीट हो गया आपको। मींस जो सर्कल किए हैं वो क्या है प्राइम नंबर है, और जो क्रॉस किए हैं वो क्या है कंपोजिट नंबर है। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। देखिए अगर ये आपको पहचान गया बताया गया था कैसे पहचानने के लिए, लास्ट नंबर देखिए इसमें क्या लिखा है 6, 2 के टेबल में आता है तो क्या है इवन, इसके सामने इवन लिखिएगा। लास्ट में क्या लिखा है 8, 2 के टेबल में आता है तो इवन है। लास्ट में क्या लिखा है 7, 2 के टेबल में नहीं आता है तो इसलिए क्या हो गया ऑड हो गया। क्लियर है? जो नंबर लास्ट नंबर जो लास्ट में लिखा है अगर 2 के टेबल में आया तो वो इवन है, नहीं आएगा तो वो क्या है ऑड है। ये कंप्लीट करके कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा। उसी तरह ये प्राइम नंबर है। क्लियर है? प्राइम नंबर भी बताना है कौन इसमें प्राइम है कौन कंपोजिट नंबर है। एक और टिप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ बड़े बड़े नंबर दिए हैं उसको कैसे पहचानेंगे, तो 19 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 उस नंबर को डिवाइड करेंगे, उस नंबर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए ये 35 डिवाइड कीजिए, अगर नहीं कटता है तो क्या है प्राइम है, कट गया तो कंपोजिट है। क्लियर हो गया? 19 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबसे डिवाइड करेंगे। क्लियर है? लाइन बाय लाइन अगर किसी से भी नहीं कटा तो क्या है आपका प्राइम नंबर है, कट गया तो कंपोजिट नंबर है। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं 35, ये 2 से भी नहीं कैंसिल होगा, 3 से भी नहीं कैंसिल होगा। क्लियर है? एंड 5 से कट जा रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये कंपोजिट है, किसी से भी नहीं कटना चाहिए, मतलब किसी के भी पारा में नहीं आना चाहिए, मतलब कहां तक 19 तक। देख लीजिए हिंट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये आपको ट्रिक चेक करने के लिए कहा था, कोई भी नंबर 400 तक देंगे इससे आप चेक कर सकते हैं, और वो किसी से नहीं कटता, मतलब किसी के भी टेबल में नहीं आता, किसी के भी पाड़ा में नहीं आता है। ठीक है? किसी के भी, तो वो क्या होगा वो कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर है। किसी के भी टेबल में नहीं आएगा तो वो क्या है प्राइम नंबर है। अगर उसके टेबल में आ जाता है, इसमें से किसी के टेबल में आ जाता है तो वो क्या है कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट इंटीजर, देख दिया सॉरी ट्विन प्राइम। होता क्या है ट्विन प्राइम, ध्यान समझिएगा। प्राइम नंबर तो आप लोग पढ़ ही चुके थे, मतलब वो कॉन्टिन्यूस लगातार नंबर, मतलब उसके बाद कोई और प्राइम नंबर ना हो, लगातार प्राइम नंबर, लेकिन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर आंसर क्या है 2 आए। जैसे मान लीजिए 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, दोनों को सेपरेट कीजिए, 5 में से 3 सेपरेट कीजिए कितना बचा 2 बचा, 10 में से 5 सेपरेट कीजिए कितना हुआ 2 हुआ, 13 में से 11 सेपरेट करेंगे क्या होगा 2 होगा। मतलब ऐसे मतलब दो नंबर होंगे पेयर नंबर होंगे और वो दोनों क्या होंगे प्राइम नंबर होने चाहिए, और सेपरेट करने पर आंसर क्या है 2 है, वही क्या है 2 इन प्राइम।
Now in this dear, pair of two number, but both are prime number. The difference is 2, that is known as 7 prime. 7 prime समझ में आ गया सबको? को प्राइम, इसमें 2 नंबर लेंगे, कोई भी 2 नंबर ले लो, लेकिन उसका एससीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है इसमें को प्राइम में तो दोनों आपके क्या हो? प्राइम नंबर हो। एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, बट लेकिन मतलब क्या है यहाँ पे? एससीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखिए लीजिए, द मींस द पेयर ऑफ टू नंबर हुज एससीएफ इज 1। मान लीजिए 2 और 3 का एससीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 और 5 का एससीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 8 का एससीएफ निकालेंगे क्या होगा? 1 आएगा। मींस एक प्राइम हो और एक कंपोजिट हो तब पर भी चलेगा, ये नहीं कि जरूरी दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। समझ में आया? उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट इज डियर इंटीजर्स। इंटीजर्स में देख लीजिए, इंटीजर्स होते क्या है? जैसे नेचुरल नंबर आप समझे थे, काउंटिंग नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और साथ साथ जीरो होना चाहिए। वही क्या है? आपके इंटीजर है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विथ जीरो। मींस नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए, हो सकता है, और उसके साथ साथ जीरो भी। वही क्या है? आपके इंटीजर है। तो देख लीजिए जीरो, अब जीरो को देखो, ना ही पॉजिटिव कह सकते हो ना ही निगेटिव कह सकते हो, क्योंकि नंबर लाइन पे जीरो के क्या होता है? लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव होता है। इसे जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। देख लीजिए लिखे हुए हैं, तो वन को क्या कर सकते हैं? प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, तो वो क्या है? इंटीजर है। समझ में आया? मींस द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज नोन एज इंटीजर। आइए रेशनल नंबर, तो देन मींस रेशनल नंबर के लिए The number which can be written in the form of p by q, मतलब कोई भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? लेकिन q का मतलब नीचे वाला हुआ, डिनोमिनेटर हुआ, मतलब इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वही क्या है? आपके रेशनल नंबर है। जैसे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं दिया रहेगा क्या लिख देंगे? वन लिख देंगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है? जीरो है। और मैं पहले लिख दिया हूं कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर यार? रेशनल नंबर मींस द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। देखिए बाबू, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, ये क्या आपका निगेटिव है, ये दोनों में है तो दोनों माइनस माइनस क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता क्या है? जैसे कोई भी नंबर हो गया, क्लियर है, उसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब वो किस किस नंबर से किस किस नंबर के टेबल में आता है। फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि किस किस नंबर का एडजेक्ट डिवाइजर है। क्लियर है? अगर उस नंबर को ऐड करते हैं, जो नंबर उसको छोड़ के बाकी सारे फैक्टर को ऐड करते हैं, उस नंबर के इक्वल हो जाता है, तो क्या है? परफेक्ट नंबर है। मतलब पूरे आप लोग होशियार हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बोल रहे हैं, रुकिए 10 मिनट, 10 मिनट बच्चों को रोक नहीं पाते हैं आप लोग। कन्हैया जी, इसमें से आवाज बंद करें पहले 10 मिनट के लिए, जल्दी बोलो बोलो। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पेज, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता क्या है? कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसके फैक्टर, जो नंबर होगा वो छोड़ के, क्योंकि वो नंबर भी तो उसका फैक्टर होगा, उस नंबर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर को ऐड करें, नंबर के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 6,
66 से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आएगा ही आएगा। तो बोले नंबर छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, इसके इक्वल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, 6 क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही नंबर लिखने, क्लियर हो गया, ये जो लिखे हैं वो परफेक्ट नंबर के एग्जांपल हैं। परफेक्ट नंबर समझ में आ गया, उसका फैक्टर निकालेंगे, मतलब उसका फैक्टर जो भी होगा सबको ऐड कर देना, लेकिन जो नंबर होगा उसको छोड़ के, और नंबर के इक्वल हो गया तो क्या है, परफेक्ट नंबर है। इंग्लिश डियर, द नंबर हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्शन इटसेल्फ, इटसेल्फ मींस नंबर्स, ओके, इज इक्वल टू द नंबर, देन दैट नंबर विल बी योर परफेक्ट नंबर। मींस आपको क्या बताएं, फैक्टर निकाल लीजिए, जो नंबर होगा उसको छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड करना है, अगर उस नंबर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 का भी देख लीजिए, 1 के टेबल में होता है, 2 के टेबल में होता है, ठीक है, 4 7 14 और उसके बाद 28 ऐड कर लीजिए बाबू, तो ठीक है, कितना हुआ, 11 13 14 14 14 28 मैच कर जा रहा है, क्लियर हो गया, परफेक्ट। पाइथागोरियन टेम्पलेट डियर, मतलब कोई भी तीन नंबर होगा, क्लियर है, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का स्क्वायर का सम, फर्स्ट और सेकंड नंबर के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स कोई भी तीन नंबर होंगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करके उसको सम कर देना है, ठीक है, वो थर्ड नंबर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3 और 4 और 5 यही नंबर दिए है ना, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 3 जा 9 4 4 जा 16 मतलब जो नंबर स्क्वायर, मतलब उसी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई कर दे, 3 या तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में या तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 16 और 9 कितना हो गया, 25, यानी कि नंबर के बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, वही डिफिनेशन लिख दिया, यही होता है पाइथागोरियन टेम्पलेट। क्लियर, क्लियर डियर, द सेट ऑफ थ्री नंबर हुज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, दैट इज नोन एज पाइथागोरियन टेम्पलेट। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, पाइथागोरियन एक नंबर दिया ना, बाकी दो नंबर और फाइंड करने, कैसे करेंगे, देखिए कोई भी पाइथागोरियन टेम्पलेट होता है वो इसी फॉर्म पे होता है, 2m, ये इसका फॉर्मूला है, m² - 1 m² + 1, कोई भी पाइथागोरियन टेम्पलेट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका निकालने का तरीका, देखिए क्या दिया है, 6, तो पहले लिख लेंगे 2m = 6, ये मल्टीप्लाई में तैयार कर दीजिए तो डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मूला से 2 आ रहा है, कितना हो गया, 3 आ गया, मतलब m is 3, उसमें लिख दीजिए फॉर्मूला में, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, m के प्लेस से क्या लिखना है, 3 लिखना है, 3 लिखिए, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखिए, 2 को स्क्वायर पैटर्न, 3 3 जा 9 9 - 1 8, क्लियर हो गया, नेक्स्ट m² + 1, 3 का स्क्वायर, 3 जा 9 9 + 1 10, क्लियर हो गया, देखिए देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज ट्रिपलेट इज क्या है, क्वेश्चन में क्या नंबर दिए थे, 6, नेक्स्ट आंसर फर्स्ट क्या निकाले आप, 8, उस वक्त क्या निकाले हैं, 10, समझ में आ गया, यही आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेंस क्या था, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना था ना, आप चेक कीजिए मैंने आंसर सही निकाला है गलत निकाला है, मैंने चेक करने का तरीका क्या बताया, 6 अलग अलग लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए क्या होगा, 36, इसका स्क्वायर कीजिए 64, इसका स्क्वायर कीजिए 100, ऐड कीजिए इन दोनों को,
सिक्स फोर टेन, टेन पे क्या लिखेंगे जीरो, सिक्स थ्री नाइन, नाइन प्लस वन टेन, इक्वल हो जा रहा है कि नहीं इक्वल हो जा रहा है, यानी कि ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करते हैं। अब बाकी दो क्वेश्चन दिए आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं। लिसन डियर, फर्स्ट योर पाइथागोरियन टेम्पलेट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, फर्स्ट नंबर गिवन दैट आई कंपेयर विद फॉर्मूला टू एम इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई देन डिवाइड एम इक्वल टू थ्री पुट इन फॉर्मूला एम प्लस एस थ्री स्क्वायर देन स्क्वायर माइनस वन थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन माइनस वन नाइन माइनस वन एट नेक्स्ट एम स्क्वायर प्लस वन एम प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन थ्री थ्री जा नाइन नाइन प्लस वन टेन राइट हाउ टू चेक राइट नंबर फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर थर्ड नंबर स्क्वायर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एड स्क्वायर एड इक्वल टू थर्ड नंबर स्क्वायर नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स जय माता मेडियर्स।